चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज रिटर्न के बारे में, असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आप लोगों को याद है मैंने ड्यू डेट के बारे में कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा था। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के बारे में कंसेप्शन कंफ्यूजन था। मैंने बोला था क्या होगा, मैं बाद में बोल दूंगा एक बार, दैट इज 30th सितंबर व 31st अक्टूबर। आप लोगों के लिए 31st अक्टूबर, आप लोग देखिएगा कल रात में मैंने वो जो पीडीएफ है उसको चेंज कर दिया है। चेंज करके मैंने 31st अक्टूबर तक करके लिख दिया है। तो ड्यू डेट क्या होगा, 31st जुलाई, मतलब इंडिविजुअल के लिए, और दूसरा 31st अक्टूबर जो लोगों को ऑडिट करना पड़ता है, और पार्टनरशिप फॉर्म में अगर ऑडिट करना पड़ता है तो उसका मेंबर को के लिए भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तब वो पार्टनर को भी ड्यू डेट हो जाएगा 31st अक्टूबर, बिकॉज पार्टनरशिप फॉर्म जब तक ऑडिट कंप्लीट नहीं कर सकता पार्टनर अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। तो ऑडिट के लिए टाइम एक्सटेंडेड है, तो ओवरऑल टाइम के लिए भी टाइम एक्सटेंशन है। क्लियर, ये जो मेरा छोटा चेंज था वो मैंने बोल दिया है। चलिए आज थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। लास्ट क्लास में तो ये बता दिया था रिटर्न मतलब ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड पर्टिकुलर्स जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको प्रिस्क्राइब करके जमा देना पड़ता है डिपार्टमेंट को। ये फॉर्म कहाँ मिलता है, कौन इशू करता है, रादर इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई फॉर्म नहीं है। ये फॉर्म टाइम टू टाइम चेंज होता है, बिकॉज ये फॉर्म सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स उसको नोटिफाई करता है। क्लियर, तो चलिए आते हैं। ये लेने के बाद इसका इनकम तो हुआ, रिटर्न भी समझ में आया। नाउ असेसमेंट क्या होगा, सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया अब हम लोग घुसेंगे, असेसमेंट। जहां पर पहला असेसमेंट हुए एसएससी खुद असेस करेगा। एसएससी खुद असेस करने के बाद ही वो क्या करेगा, अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकेगा, तभी टैक्स को जमा कर सकेगा। तो फर्स्ट ऑल है सेल्फ असेसमेंट जो बाय द एसएससी खुद करता है। उसके बाद जमा देने के बाद एसएससी के ऊपर थोड़ी डिपार्टमेंट निर्भर करता है। डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट अपने तरीके से असेसमेंट करता है। अपने तरीके से असेसमेंट मतलब तीन तरीके से असेसमेंट करता है, एक समरी असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट, और दूसरा है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, जो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने लिख के काट दिया है। तो एक है समरी असेसमेंट जिसको इंटीमेशन भी बोला जाता है, मतलब ओवरऑल कैलकुलेशन चेक करके आपको दे देगा। स्क्रूटनी असेसमेंट वो छानबीन करेगा आपने जो इनकम लिखा है वो सही है गलत, आपने जो एक्सपेंसेस लिखा है वो एट ऑल आपने एक्सपेंसेस किया है और गलत। उसके बाद आता है बेस्ट जजमेंट, आपने कुछ इंफॉर्मेशन जमा ही नहीं दिया, तो बेस्ट ऑन द नॉलेज आई कैन गो फॉर द बेस्ट जजमेंट। तो तीनों के चारों के ऊपर हम लोग आप बात करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, टू मच इंपॉर्टेंट। चलिए सेल्फ असेसमेंट, नाम देख के ही पता चल रहा है सेल्फ, ये सेल्फ कौन है, एसएससी खुद। एसएससी खुद असेस करेगा मतलब वो पांच हेड में इनकम कंप्यूट करेगा, जो जो डिडक्शंस मिलता है वो डिडक्शन अलाउ करेगा, माइनस करने के बाद और जो सेक्टर 6A में डिडक्शन मिलता है वो देगा। ये सब करने के बाद वो जमा देगा। होल्ड एक सेकंड, मैं आता हूं। Under self-assessment, SSE will determine the total income and tax liability, interest and fine. I repeat, total income आप तो जानते ही हैं कैसे calculate होता है, पांच head in salaries जो semester 4 में हम लोगों ने पढ़ा था, salaries के बाद
कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी सब आईएफओएस सब करने के बाद आपने टोटल इनकम कैलकुलेट किया, इसके ऊपर अपने टैक्स लायबिलिटी जो मैंने फर्स्ट टू क्लासेस तीन चार क्लासेस में हम लोगों ने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना सिखाया, उसके साथ अगर इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट क्यों, हो सकता है जिस डेट में आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए था, दैट इज 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, आपने उस डेट में रिटर्न फाइल नहीं किया, उसके बाद में रिटर्न फाइल किया है, ओके अगर बाद में रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है। आप लोग ये भी जानते हैं 211 में ड्यू डेट दिया है एडवांस टैक्स के लिए, परसेंटेज बोला है कौन सा परसेंटेज में आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, आपने क्या किया उस परसेंटेज के भीतर आपने एडवांस टैक्स पेमेंट किया ही नहीं। अगर एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 234B 234C। ये क्या हम लोगों का सिलेबस में है, पूरा ही सिलेबस में है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, 100% पढ़ेंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे, 100% कैलकुलेट करना सीखेंगे तब, बट अभी नहीं। एंड फाइन 234F, ये फाइन क्यों है, हो सकता है आपका बहुत सारे इनकम टैक्स में पेनल्टी फाइन है लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही है 234F। ये किसके लिए लगता है मैं सिर्फ बता देता हूं, अगर आपने ड्यू डेट के भीतर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो जैसे इंटरेस्ट लगता है तो लगता ही है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस, इसके लिए इंटरेस्ट, प्लस आपने गवर्नमेंट का प्रोविजन वायलेट किया, अवॉइड किया, आपने नेग्लेक्ट किया, इसके लिए आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करूंगा, मैं फाइन इंपोज करूंगा 234F, F फॉर फाइन। ओके, सो अंडर सेल्फ असेसमेंट एसएससी विल डिटरमिन द टोटल टैक्स लायबिलिटी इंटरेस्ट एंड फाइन। फर्स्ट एसएससी हैज टू पे टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स असेसमेंट, इट्स असेसमेंट मतलब एसएससी का असेसमेंट के बेसिस में एसएससी टैक्स डिटरमिन करेगा और पे करेगा, लेकिन कब वो पे करेगा, रिटर्न सबमिट करने के बाद, नो रिटर्न सबमिट करने से पहले ही, उसको पेमेंट करने के बाद वो रिटर्न उसको सबमिट करेगा, नहीं तो क्या बोलेगा, वो रिटर्न को बोला जाएगा, दैट इज वो उस एसएससी को बोला जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट, मतलब उसने डिफॉल्ट कर दिया। अच्छा, अलॉन्ग विद द टैक्स एसएससी विल पे, टैक्स के साथ एसएससी पे करेगा 234A, 234B एंड 234C एंड 234F, ब्रैकेट में एक वर्ड लिख दिया है इफ एप्लीकेबल, नेसेसरी नहीं है सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जिसके जिसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जो टाइमली काम किया है उसके लिए क्यों एप्लीकेबल होगा, जो टाइमली काम नहीं किया उसके लिए एप्लीकेबल होगा 234F, तभी एप्लीकेबल होगा, तो वो भी उसको देना पड़ेगा। If the SSC failed to pay any part of the tax, interest or fine, अगर वो tax का कुछ part, interest का कुछ part बा fine का कुछ part अगर fail करता है देने के लिए, तो उसको माना जाएगा SSC in default, मतलब उन्हें गलती किया है। In case of SSC paid lesser amount than actual amount due, the amount paid first adjusted against fee, then interest and balance towards tax. मतलब उसने जो टैक्स दिया है वो पहला मान के चलेंगे वो फी के लिए पेमेंट किया है, उसके बाद हम मान के चलेंगे वो इंटरेस्ट के लिए पेमेंट किया है, उसके बाद हम मान के चलेंगे टैक्स, मतलब हो सकता है इंटरेस्ट टैक्स सब कुछ मिला के मान लीजिए टैक्स हुआ है 1,00,000, इंटरेस्ट हुआ है 20,000, फाइन हुआ है 5,000, उसने 1,20,000 5,000 मतलब 1,25,000 होना चाहिए, लेकिन उसने मान के चलते है 1,25,000 के जगह उसने 1,00,000 रुपया दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं हम लोग मानेंगे जो टैक्स के लिए 1,00,000 दिया है, हम लोग मानेंगे पहले 5,000 मानेंगे फी के लिए दिया है, 20,000 मानेंगे आपका इंटरेस्ट के लिए दिया है, तो बाकी कितना बचता है सर 75,000, तो मान के चलूंगा टैक्स का 75,000 दिया है, तो ये प्रोविजन हमको याद रखना पड़ेगा रिलेटिंग टू सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है आज तक हम लोगों ने जितना काम किया है
सब सेल्फ असेसमेंट था। मैंने खुद खुद का इनकम कंप्यूट किया, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया, डिडक्शन जो लेना था लेने के बाद रिबेट पीबेट कैलकुलेट करके टीडीएस माइनस करके एडवांस टैक्स लायबिलिटी माइनस करके नेट टैक्स लायबिलिटी निकाला। ये जो नेट टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं यही मेरा सेल्फ असेस करने के बाद नेट लायबिलिटी है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। उसका पेमेंट के बाद ही आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज उसके पहले रिटर्न फाइल कर दिया बाद में पेमेंट करेंगे कोई मतलब नहीं होगा। दैट इज असेसिंग इन डिफॉल्ट। चलिए एक प्रॉब्लम करेंगे। टैक्सेबल इनकम 10 लाख, टैक्स 1,12,000, सेस 45,000, इंटरेस्ट 2,34,000, 2,34 ए 2,000, 2,34 बी 4,000 एंड रुपीज 10,000 एज ए फाइन। फाइन अंडर सेक्शन एफ, एडवांस टैक्स पेड 1 लाख, पीडीएस 10,000, कंप्यूट सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल एंड द टाइम अज्यूमिंग रिटर्न फाइल ऑन 1/10/2021। रिटर्न फाइल कौन सा डेट में दिया है, मान के चल रहा हूं 1/10/2021 में रिटर्न फाइल किया है। तो चलिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल इनकम बोल दिया 10 लाख, टैक्स ऑन टोटल इनकम हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, वो कैलकुलेट करके दे दिया है। आप कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हैं, देखो यही आएगा। अगर स्पेशल टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं है, 2,50,000 तक नील, 2,50,000 to 5,12,500 एंड 5,00,000 to 10,00,000, 5,00,000 के ऊपर 20% दैट इज 1,00,000, टोटल मिला के 1,12,500, वो मुझे करना नहीं है बिकॉज दे दिया है। Add says 4,500 sales assessment tax payable for the previous year 2021. Total income, tax on total income, add says करने के बाद tax and cess आ गया, उसके बाद इंटरेस्ट 234A, 234B एंड 234F तीनों मिला के बोल दिया है इंटरेस्ट एंड फाइन। सो टोटल क्या हुआ, एडवांस तक दे दिया है 1,00,000, टीडीएस ऑलरेडी देके रखे थे 10,000, तो आपको कितना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा 1,40,000 कैपिटल ए में 23,000। ड्यू डेट कब तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स टू बी पेड बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, फाइलिंग ऑफ द रिटर्न था 1/10/2021 में, आपको जमा देना कब है उससे जस्ट बिफोर, पहले। मतलब आप बिना सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिए हुए रिटर्न फाइल नहीं कर सकते अगर आपका कोई टैक्स लायबिलिटी रहता है तो। सर मेरा मान लीजिए कोई टैक्स लायबिलिटी रहता ही नहीं है, तो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स का कोई फिगर पेमेंट करना ही नहीं पड़ेगा। ओके, देख लीजिए यहां तक कोई डाउट। सर सेल्फ असेसमेंट मतलब हम खुद से जो करेंगे, सेल्फ मतलब खुद से, खुद करेंगे, खुद करके जमा देंगे। डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट की तरह करेंगे, आप सही लिखा है किसने बोला है, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट की तरह करेंगे। आपको पता नहीं था 2,00,000 तक इंटरेस्ट तक आपको डिडक्शन ले सकते, आपने क्या किया 2,00,000 का हटा के 4,00,000 का इंटरेस्ट था, 4,00,000 का डिडक्शन माइनस कर दिया। तो ये आपका कैलकुलेशन था, डिपार्टमेंट अपना कैलकुलेशन खुद करेगा, ये आपका कैलकुलेशन है। Illustration from the following, sir. Yes, sir. अगर department खुद कर रहा है calculation तो मेरा self assessment देख के वो क्या करेगा? वो आपको बोल रहा है भाई आप एकदम gentlemanly way में आप deposit कर दीजिए, अगर आपको गलती हो रहा है तब तो आपके ऊपर पेनल्टी फाइन सब कुछ लगेगा ना। वो आपको बोल रहा है आप सही करके, वो आपके ऊपर भरोसा करके छोड़ रहा है, आप सही करके दीजिए। आपने घपला किया तो आप फंसेंगे,
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट सर असेसमेंट रॉन्ग भी हो सकता है मेरा। एकदम एकदम मैं दिखाऊंगा। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। बंदे को पता ही नहीं था डिविडेंड टैक्सेबल हो गया। बंदे ने क्या किया, डिविडेंड को एग्जेम्प्टेड करके लिख दिया। डिपार्टमेंट को देख रहा है, डिपार्टमेंट ने अपने डिविडेंड को एग्जेम्प्टेड कर दिया, तो आपको खिलाफ वो रिकम्प्यूट करके बोलेगा डिविडेंड इज अ टैक्सेबल। आप जानते नहीं थे तो टैक्स कैलकुलेट करके सब कुछ कैलकुलेट करके फिर से आपको भेजेगा ये पेमेंट कीजिए टैक्स। आपको पता ही नहीं था डिविडेंड एग्जेम्प्टेड से निकल चुका है। From the following information, calculate self-assessment tax for the previous year 2020-21. LTCG. Other income. Deduction deduction under HPC एडवांस टैक्स पेड टीडीएस interest under section 234A interest under section 234C interest under section 234F(b) fine under section 234F okay solution LTCG
मतलब कैपिटल गेन है। नेक्स्ट अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अदर इनकम। कितना बेटा? नाइन हंड्रेड फोर सिक्सटी सेवन। ग्रॉस टोटल इनकम कितना पड़ेगा? ग्रॉस टोटल इनकम फुल फॉर्म नो सर चलेगा। ना, फीस देते हो तो पूरा ही वसूल करके रखो, राइट? लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए एटीसी एट्टी सीसीडी एटीसीसीडी वन बी। अब्दुल इतना लेट क्यों? सर फोन में चार्ज नहीं था। सर अगर फोन में चार्ज प्रॉब्लम है, बोला था ना मुझे फोन करना। जो जो लोग क्लास करने चाहते हैं उसको तो देना ही पड़ेगा एडवांटेज। टोटल इनकम कितना? 8 लाख 467। यस और नो? ये टोटल इनकम, फिर से क्या करोगे बोलो? टैक्स क्या 8 लाख 6 होगा? लिख दिए सॉरी, आप 8 लाख 647 लिख दिए, 467 होगा। ओके, आप बोलो तो क्या करना पड़ेगा? राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम आफ्टर राउंडिंग ऑफ अंडर सेक्शन 288 कैपिटल ए। कितना? 8 लाख 470। डन। टैक्स ऑन टोटल इनकम, इनकम 8 लाख 22 लिख दिए। चलो, सर 288 B होगा सर। जितना तक मुझे याद है राउंडिंग ऑफ 288 A है ये होगा सर, ये टोटल ठीक है। इनकम और 288 B है टैक्स के लिए। टोटल टैक्स के ऊपर नो गलत बोला? सर, ठीक नो सर, नहीं सर। टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम। अच्छा, कैसे होगा? मैं अलग से स्टेटमेंट बना सकता हूं और यहां पर कर सकता हूं स्पेशल रेट। आप अलग से स्टेटमेंट करके भी कर सकते हैं। स्पेशल रेट किसके लिए? LTCG, जैसे हम लोगों ने किया है वैसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 1 लाख के ऊपर 20%, कितना? 20,000। दैट इज 1 लाख, दैट इज 20,000। सिक्स
स्लैब रेट कितना होगा बेटा? अप टू सीनियर सिटीजन तो नहीं बोला है, अप टू फ्लैट 50 क्या होगा? जीरो। इसके बाद 2,50,2 टैक्स तो यहां पर लिख रहे हैं 2,0। टोटल कितना है स्लैब के लिए एप्लीकेबल होगा? 7,47,0 2,50,000 to 5,00,000 How much? At the rate of 5% on 2,50,000 on 2,50,000 कितना होगा बेटा? 12,500 Next 2,50,000 to 5,00,000 सर 5,00,000 से 7,00,000 5,00,000 टू 470 30% 20% तब कभी दे ही नहीं रहा 40,090 20% on how much 2,470 ओके तो कितना होगा ये 40,094 ठीक है सर। सो टोटल आपका टोटल इनकम में आ गया है 8,00,470 और यहाँ पर आ गया कितना 72,594 जरूरत नहीं है इसका टोटल टैक्स ठीक है यस सर। एड सरचार्ज रिबेट का तो सवाल नहीं है रिबेट अगर 5,00,000 से कम होता है 5,00,000 तक रिबेट मिलेगा सरचार्ज 50,00,000 के ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा एड हेल्थ एंड एजुकेशन कितना बेटा हाउ मच 75,497 इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए इंटरेस्ट 234 A 234 B 2 C कितना बोलो तो 2,313
1000 3000 कितना? एड फाइन अंडर सेक्शन 234F 5000 ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी 25 TDS 15549 advance tax 15549 तो net tax liability कितना? Net tax liability how much? 45948 क्या होगा? नेट टैक्स लायबिलिटी राउंडिंग ऑफ अंडर सेक्शन 288B आफ्टर राउंडिंग ऑफ कितना? 45950 सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड कितना? सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 140 कैपिटल ए इज टू बी पेड बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम. रिटर्न का रिटर्न फाइल करने से पहले ये आपको जमा देना पड़ेगा सेल्फ असेसमेंट. बिफोर फाइलिंग द रिटर्न रुपीज 45950 ओके और नॉट. आप चाहे तो ये टैक्स जैसे मैंने पहले प्रॉब्लम में कराया है एक स्टेटमेंट बना के करना वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये छोटा है तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया. यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉटरी टॉटरी सब कुछ रहता तो बेटर रहेगा, अलग से स्टेटमेंट करके करके फिगर लगाओ, गलती होने का चांस कम रहेगा. सर हाँ सर ये तीन तीन इंटरेस्ट है मेरा. हाँ ये जो तीन इंटरेस्ट है क्या है इसमें सेक्शन? मैंने एक बार बोल दिया है 234A का इंटरेस्ट मिलता है आपका ड्यू डेट के भीतर अगर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू लॉस होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट. 234B आपको जो एडवांस टैक्स पेमेंट करने के लिए बोला गया था, आपने अगर टोटल इतना एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया जितना पेमेंट करना चाहिए भाव उसका 90% एक्सलैब है तो उसके लिए आपको जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को उसको लिए इंटरेस्ट 234C. अगर इंस्टॉलमेंट आप एडवांस टैक्स में नहीं देते हैं, आपने एक साथ एडवांस टैक्स दे दिया लेकिन जो ऐसा इंस्टॉलमेंट बोला था वो नहीं दिया तो उसके ऊपर भी जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट. ये हम लोग सब सीखेंगे बेटा, अभी मैंने कैलकुलेट करके आपको दे दिया है लेकिन ओवर द पीरियड हम लोग ये तीन कैलकुलेट करना सीखेंगे. और 234F है, अगर आप ड्यू डेट के भीतर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको 234F अनुसार देना पड़ेगा. डन. तो क्लियर एडवांस टैक्स. फिर से आते हैं एडवांस टैक्स का डेफिनेशन में.
अंडर द सेल्फ असेसमेंट टैक्स एडवांस टैक्स बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स में. अंडर सेल्फ असेसमेंट एसएससी विल डिटरमिन द टोटल इनकम जो जैसे मैंने किया है, टैक्स लाइबिलिटी जैसे मैंने किया है, इंटरेस्ट एंड फाइन सब कुछ एसएससी को करना पड़ता है. बाय द वे अभी सॉफ्टवेयर होता है तो सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट हो सकता है लेकिन बेसिकली कंप्यूट करना पड़ता है. एसएससी हैज टू पे द टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट बिफोर द सबमिशन ऑफ रिटर्न. एसएससी को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस असेसमेंट बिफोर सबमिशन ऑफ रिटर्न. रिटर्न सबमिटेशन से पहले उसको टैक्स जमा देना पड़ेगा. कौन सा टैक्स? सेल्फ असेसमेंट टैक्स. अलोंग विद द टैक्स एसएससी विल पे जो मैंने बोला है 234A, 234B, 234C एंड फाइन 234F. इफ द एसएससी फेल टू पे एनी पार्ट ऑफ सच टैक्स इंटरेस्ट ऑन फाइन, अगर वो पे नहीं करता है he shall be deemed to be SSC in default. अगर वो नहीं करता है तो SSC in default वो बना जाए. मैंने दो illustration कराया है, illustration 1 and illustration 2. बोलिए कोई डाउट है तो यहां तक. कोई डाउट यहां तक? नो सर. नो सर. सबके लिए पूछ रहा हूं, वेरी वेरी क्रूशियल, हर जगह आपको लगेगा. नो सर. अगर कहीं पर आपको लग रहा है सर मुझे और एक बार एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बोल सकते हो. सर बोलो. सर ये टैक्स लायबिलिटी आई है, एडवांस टैक्स लायबिलिटी नहीं है. सम कान में नहीं आ रहा है. सर ये जो टैक्स लायबिलिटी आया है फाइनल, ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी नहीं है. तो टैक्स लायबिलिटी मतलब ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स मतलब उससे पहले ही जो जमा देके रखा है. ट्यूशन का टीचर मान के अंत में पूरा सेमेस्टर के बाद वो 4,000 रुपया लेता है, आपने पहले ही 2,000 रुपया देके 3,000 रुपया देके रखे, दैट इज एडवांस पेमेंट करके रखे हैं. तो बाकी आपका क्या हुआ बेटा? नेट लायबिलिटी. तो जो बाकी नेट लायबिलिटी बचा है वही पेमेंट करेंगे. क्लियर? Yes, sir. Now, summary. Summary का मतलब क्या होता है बोलो तो? अब डिपार्टमेंट, अभी तक तो एसएससी खुद एसेस कर रहा था, अब डिपार्टमेंट के हाथ में गया है जो एसेस करेगा. समरी वर्क का मतलब क्या होता है बोलो तो? सर सब मिला के एक बार में उसका पूरा डिटेल. समरी का मतलब है ओवरऑल, ओवरऑल भी एक बार ओवरऑल चेक कर लेगा. देखते हैं, वो छानबीन नहीं करेगा. आई रिपीट द वर्ड, वो छानबीन नहीं करेगा, वो ओवरऑल चेक करेगा. मतलब आपने जो अगर 4 लाख रुपया इनकम दिया है तो 4 लाख देखेगा, लेकिन अगर 4 लाख और 5 लाख मिला के अगर 10 लाख लिखते हैं तो वो चिल्लाएगा. लेकिन ये वो नहीं पूछेगा, अरे भाई ये 4 लाख इनकम आया कहाँ से है, 5 लाख इनकम आया कहाँ से है. लेकिन 4 और 5 मिला के अगर 9 लाख के जगह 8-10 लाख लिखते हैं तब वो चिल्लाएगा. 80C में आपने एट ऑल कोई डोनेशन किया है और नहीं किया है वो नहीं पूछेगा. लेकिन 80C में अगर डिडक्शन आप 1,50,000 से ज्यादा मतलब 2 लाख रुपया क्लेम ले लिए तब वो चिल्लाएगा. इंटरेस्ट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लोन 2 लाख तक मैक्सिमम है, आपने 3 लाख तक ले लिया है, वो एट ऑल इंटरेस्ट पेमेंट किया है और नहीं देखेगा. लेकिन ये देखेगा 3 लाख तक नहीं हो सकता है, 2 लाख तक हो सकता है. सो दैट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ समरी. वो इनकम को रिकम्प्यूट करेगा, कोई अरिथमेटिकल एरर है, एक्सेसिव अलाउंस ले लिया है, अनरीजनेबल डिडक्शन लिया है, इनकरेक्ट क्लेम लिया है, तो आपको क्या करेगा? वो आपको रिकम्प्यूट करेगा. क्या क्या पॉइंट में रिकम्प्यूट करते हैं सब एक साथ, क्या क्या पॉइंट में रिकम्प्यूट करता है? समरी असेसमेंट इज पॉसिबल इफ द एसएससी सबमिट द रिटर्न अंडर सेक्शन 139. अगर रिटर्न सबमिट करता है 139 में और इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस ऑफ 142(1),
अगर नोटिस के बेसिस में आपको इश्यू करता है 142(1), तभी समरी असेसमेंट पॉसिबल। सच रिटर्न इज प्रोसेस्ड बाय द डिपार्टमेंट एज फॉलोज। मतलब वो अगर रिटर्न आप 139 में रिटर्न सबमिट करते हो 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, और जो नोटिस अगर इश्यू होता है आपके ऊपर 142(1), आप बोल रहे हैं मेरे तो कोई इनकम ही नहीं है, डिपार्टमेंट बोल रहे हैं चलो आप इनकम डालो, आप उसमें दिखा दिया है डिविडेंड इनकम 8 लाख है जो आपने एग्जेम्प्टेड करके दिया है। सच रिटर्न इज प्रोसेस बाय द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद वो रिकॉम्प्यूट करेगा। क्यों रिकॉम्प्यूट क्यों करना पड़ता है, वो देखेगा कहीं पर अरिथमेटिकल एरर नहीं है तो, कहीं पर एक्सेसिव अलाउंस क्लेम नहीं किया है तो, अनरीजनेबल डिडक्शन नहीं लिया है तो, इनकरेक्ट क्लेम नहीं हुआ तो। एक एक एग्जांपल देते हैं, अरिथमेटिक एरर 4 लाख और 5 लाख ऐड करके 9 लाख होता है, आपने 10 लाख लिखा है। एक्सेसिव अलाउंस मतलब आप जानते हैं आपका एक्सेसिव अलाउंस मतलब आपने ज्यादा अलाउंस ले लिया। आपको याद है मैंने साइंटिफिक रिसर्च कराया था जहां पर बोला था कंट्रीब्यूशन टू आईआईटी आईएसआई ये सब में पहले आप लोगों से ईयर से पहले 150% डिडक्शन मिलता था, याद करो। लेकिन आप लोगों से ईयर से फाइनेंशियल ईयर से प्रीवियस ईयर से ये 100% ही डिडक्शन मिलेगा, आपको कोई वेटेड डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आपने क्लास मास नहीं किया, आपको पता नहीं है आपने पूरा क्या है किया, पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पूरा एक्सेसिव अलाउंस आपने क्लेम कर लिया, वो ये भी एरर है। आप यही जानते थे जो अभी वेटेड डिडक्शन नहीं मिलता है। अनरीजनेबल डिडक्शन, अनरीजनेबल डिडक्शन मतलब आपने क्या किया, आपने एटीसी को 2 लाख रुपए दिखा दिया लेकिन आप जानते नहीं थे ये अनरीजनेबल, 2 लाख तक डिडक्शन नहीं मिल सकता है, 1 लाख तक मिल सकता है। आपने जानते नहीं थे ATC, ATCCC, ATCCD1 तीनों मिला के ओवरऑल लिमिट 1,50,000 है। आपने क्या किया, तीनों मिला के आपने 4 लाख रुपए ले लिया लेकिन आपका ओवरऑल लिमिट 1,50,000 है, उससे ज्यादा आपको जा ही नहीं सकता, लेकिन आप नहीं जानते थे। दैट इज अनरीजनेबल डिडक्शन। इनकरेक्ट क्लेम, आपने क्या किया, आपने डिविडेंड को एग्जेम्प्टेड कर दिया, इनकरेक्ट क्लेम कर लिया डिविडेंड एग्जेम्प्टेड, लेकिन आप जानते ही नहीं थे डिविडेंड पूरा ही टैक्सेबल हो चुका है इंडियन कंपनी से। फॉरेन कंपनी तो पहले भी एग्जेम्प्ट टैक्सेबल था, अब डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी भी टैक्सेबल है, तो ये आप लोग नहीं जानते थे। तो बिना जाने आपने कर दिया, तो डिपार्टमेंट के पास जब वो डिपार्टमेंट समरी असेसमेंट करेगा वो फर्दर इसको कंप्यूट करके देखा। सर हाथ में कंप्यूट करेगा ना, आप लोग जानते ही है एक कैटेगरी को छोड़ के सबको ही ई फाइलिंग में रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तो ई फाइलिंग करते हैं तो वहां पर कंप्यूटर में सिस्टम में ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाता है। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड फाइन ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज टोटल इनकम, जैसे ही इनकम चेंज हुआ है तो आपका टैक्स भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम रिवाइज क्लेम ये सब के बेसिस में आपको टैक्स आप कंप्यूट कीजिए। नेट टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन किए है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस टैक्स टीडीएस एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। आपने जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा था तो तीन हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, टीडीएस हो गया और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये तीनों जो डिपार्टमेंट में आपने टैक्स दिया है वो तीनों टैक्स माइनस करने के बाद जितना एडिशनल लगेगा वही एडिशनल अमाउंट आप क्या करेंगे, इंटीमेशन बोल के क्लेम करेंगे। तो इंटीमेशन ऑल्सो बी सेंड इन, अच्छा इंटीमेशन शैल बी प्रिपेयर एंड सेंड टू एसएससी फॉर द नेट अमाउंट पेबल और द अमाउंट ऑफ रिफंड टू द एसएससी। इंटीमेशन कब एसएससी को क्यों सेट करोगे, अगर नेट टैक्स पेबल है तब, अगर उल्टा रिफंड आ रहा है तब भी आप एसएससी को क्लेम कर रहे हैं। इंटीमेशन शैल ऑल्सो बी सेंड इन केस ऑफ लॉस, ये कंप्यूट करने के बाद आप देख रहे हैं आपका लॉस हो गया असेसमेंट में टोटल इनकम, तो उसका तो डिडक्शन सब्सिक्वेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो ये लॉस आप क्या करेंगे, आपको दिखाना पड़ेगा। मतलब इसका भी इंटीमेशन डिपार्टमेंट आपको देगा, भाई आपका कंप्यूट करने से इनकम का जगह आपका लॉस हो गया, तो आपने जो टैक्स दिया था वो आपको रिफंड मिल जाएगा। इन केस ऑफ नो रिफंड, अगर कोई रिफंड नहीं मिलता है
और एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी, अगर एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी नहीं देता है, द एक्नॉलेजमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न इज डीम्ड टू बी द इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न मतलब आपने रिटर्न जमा देने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट आता है ना, योर रिटर्न हैज बीन सबमिटेड, इसको माना जाएगा इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). तो दैट इज द इंटीमेशन. अच्छा, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 नहीं, 1 नहीं, इंटीमेशन भेजेगा 156. ओके, दैट इज द इंटीमेशन. इंटीमेशन का जो वो भेजता है उसको ही माना जाएगा एज अ इंटीमेशन ऑफ 156. तो असेसमेंट होगा 143(1) में समरी असेसमेंट. उसके बाद अगर आपको कुछ ड्यू बा रिफंड आ रहा है तो उसके लिए आपको इंटीमेशन भेजना पड़ेगा, दैट इज 156. लेकिन अगर कोई ड्यू और रिफंड नहीं आ रहा, एकदम परफेक्ट हुआ है, तो आपको जो एक्नॉलेजमेंट उसको ही माना जाएगा इंटीमेशन 156. मतलब नॉर्मली लॉजिकली रिकॉम्प्यूट करने के बाद आपको एक इंटीमेशन मिलना चाहिए था, लेकिन आप अगर कैलकुलेट करने के बाद डिपार्टमेंट देख रहा है कहीं पर गलत नहीं है, वो पहरदार को इंटीमेशन डिमांड रिफंड कुछ नहीं, इंटीमेशन नहीं करेगा, तब जो पहले जमा देने के बाद एक्नॉलेजमेंट दिया था वही एक्नॉलेजमेंट को माना जाएगा 156 का इंटीमेशन. क्लियर? टाइम लिमिट कब तक ये कर सकते हो? नो इंटीमेशन शैल बी सेंट 1 year from the end of the financial year when each return is submitted. जिस ईयर में आप रिटर्न सबमिट कर रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर का अंत से 1 साल के भीतर आपको ये इंटीमेशन मतलब समरी असेसमेंट करना है. उसके बाद चाहो तो आप समरी असेसमेंट नहीं कर सकते. आई रिपीट, नो इंटीमेशन 156 में, नो इंटीमेशन अंडर सेक्शन 156 शैल बी सेंट टू द एसएससी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 year, 1 साल के बाद. किसका? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. कौन सा फाइनेंशियल ईयर के अंत से? जिस ईयर में आपने रिटर्न सबमिट किया है, उसके बाहर आप जमा नहीं कर सकते. डन. यस और नो? टाइम लिमिट एक बार. टाइम लिमिट मतलब जिस डेट में आपने रिटर्न सबमिट किया है वो जिस फाइनेंशियल ईयर में होता है, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में पड़ता है. मान लीजिए आपने रिटर्न सबमिट किया है 30 सितंबर 2021 में, तो फाइनेंशियल ईयर 30 सितंबर 20 का फाइनेंशियल ईयर कौन होता है? 2021. तो 2021 का अंत से मतलब 31 मार्च 2022 के 1 साल के भीतर आपको इंटीमेशन सेंड करना है. मतलब 31 मार्च 2023 के भीतर आपको इंटीमेशन सेंड करना है. इसके बाहर चाहे तो आप समरी असेसमेंट नहीं कर सकते हैं, दूसरा कुछ कर सकते हैं. ओके. यस सर. डन. चलिए इलस्ट्रेशन. Return submitted by Kunal Gupta on 1/12/17/2021 as follows. Dividend income from Indian company मुझे लगता नहीं है मैं कितना टाइम तक पढ़ा सकूंगा तुझे.
डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, मील रुपीज 5 लाख, अदर इनकम इंटरेस्ट इनकम लाख, सात लाख डीपीआई डीटलेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 2 लाख, टैक्स टोटल इनकम बहुत अच्छा प्रॉब्लम होने वाला है, ध्यान से देखना। जो लोगों को लगता है मैं पढ़ा सकता हूं वो लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। टोटल इनकम 5 लाख, टैक्स ऑन टोटल इनकम सर 80C का 2 लाख कैसे होगा सर, 1,50,000 होगा। कुणाल गुप्ता बहुत बुद्धिमान है, इसने लिख दिया टैक्स ऑन टोटल इनकम, टू लाख फिफ्टी, 0 to 2,50,000 क्या होगा बेटा, 0%, कितना 0, 2,50,000 5 लाख कितना परसेंट, कितना 20% 12,500। और कुछ एक्सपेक्टेशन से बाहर हो रहा है, इतना हजम सर का हजम में डाइजेशन में नहीं होता, थोड़ा कम दिखा। टैक्स ऑन टोटल इनकम 0, 2,50,000 to 5,00,000 5%, टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम 12,500। ओके, तो टैक्स ऑन टोटल इनकम 12,500 लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए होगा। हाँ हाँ होगा सर। लोएस्ट वन क्या है, 100% ऑफ टैक्स, एंड दूसरा ₹12,500, दैट इज स्टैट्यूटरी लिमिट। बहुत लोग पूछेगा कहां से आया सर, समझ में आ गया हमको। हाँ बाबा, तुम लोगों के लिए मैं बहुत ऑर्डिनरी हूँ, समझ में नहीं आया। 12,500 नेट टैक्स लायबिलिटी कितना, सर बाकी तो कुछ नहीं है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स सर
सेल्फ असेसमेंट टैक्स मेल, ये कुणाल ने जमा दिया है. द रिटर्न इज प्रोसेस्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 143(1). On 1/12/2021 calculate the amount to be specified under intimation under section 156 solution. देखो मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर का नाम दीपक है, वो क्या करेगा? पकड़ के मारेगा उसको. वो सबमिट किया है रिटर्न ऑनलाइन में, क्या करेगा? दो थप्पड़. हमारी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 subsection 1 by the department, by the AO for the previous year 2020-21. क्या करेगा वो? समरी ओवरऑल देख के उसको क्या लग रहा है गलती है, एक एक करके बोलो. यस सर. यस सर. पहला गलती है नील सर, वो तो टैक्सेबल हो चुका है. तो फर्स्ट गलती ये जगह में. दूसरा गलती सर, 6 लाख और नील मिला के 7 लाख नहीं होता था सर, 6 लाख होता तो हो जाएगा 11 लाख. डिडक्शन 80C में सर कभी भी 2 लाख नहीं हो सकता, 1,50,000 हो सकता है, तो टोटल इनकम 5 लाख. टैक्स में तो सर 12,500 है, नो प्रॉब्लम. टैक्स ऑन टोटल इनकम 12,500. सर रिबेट कैसे मिलेगा? 5 लाख अगर इनकम होता तो रिबेट मिलता, यहां पर तो 5 लाख इनकम है ही नहीं, तो कैसे रिबेट मिलेगा? तो ऑब्जर्वेशन ऑफ एओ, ऑब्जर्वेशन ऑफ एओ असेसिंग ऑफिसर क्या क्या ऑब्जर्व करेगा? नंबर वन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, अरिथमेटिक एरर ₹6 lakh फर्स्ट. रॉन्ग अलाउंसेस, dividend exempted 10 is now taxable in India. Isra ₹5 lakh. Wrong claim of deduction under section 8PC ₹2 lakh instead of ₹1 lakh 50. वो नहीं देखेगा क्या आपने दिया है और नहीं.
और रॉन्ग डिडक्शन इनकरेक्ट क्लेम. अच्छा रॉन्ग डिडक्शन इनकरेक्ट क्लेम अंडर सेक्शन 87A एज टोटल इनकम मोर देन रुपीज 5 लाख. बोलिए ए ऑडिटर ए एओ का ऑब्जर्वेशन है पूरा देख के उन्हें ये सब लिखा है. उसके बाद वो क्या करेगा, ये तो ऑब्जर्व किया समरी ओवरऑल, वो एकदम डिटेल में नहीं देखेगा एट ऑल डिविडेंड का इनकम 5 लाख है ना 50 लाख है, वो एट ऑल नहीं देखेगा 2 लाख के आपने जो दिया है वो 2 लाख रुपया वो रॉन्ग डिडक्शन, क्या एट ऑल आपने एटीसी में कोई डिपॉजिट किया था और नहीं, ठीक है. लेकिन जो आपने लिखा है उसके बेसिस में अगर अपेरेंटली कुछ आपको नजर में आ रहा है, आई रिपीट द वर्ड अपेरेंटली, सामने देख के तो समरी अपेरेंट ए वर्ड याद रखना, तो वो उसके ऊपर काम करेगा. चलिए चलो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी उसने गलत किया है 5 लाख यस और नो 6 लाख, तो जीटीआई का फिगर गलत 11 लाख, एटीसी का फिगर गलत 1,50,000, टोटल इनकम हाउ मच 9,50,000, टैक्स ऑन टोटल इनकम 0 to 2,50,000, 2,50,000 to 5 lakh, इसके बाद 5 lakh to 9 lakh, कितना परसेंट मेरा बच्चा 20%, 90,000 कितना होगा 1,02,500 सॉरी 1,02,500 तो टैक्स ऑन टोटल इनकम 1,02,500. मुझे ये बताइए तो रिबेट मिलेगा, रिबेट नहीं मिलेगा, नॉट एलिजिबल एज टोटल इनकम इज लेस देन 5 लाख. नील सर वो मोर देन 5 लाख है. हाँ बेटा मोर देन सॉरी. नेट टैक्स लायबिलिटी 1,02,000, कोई टीडीएस है नो, लेस टीडीएस लेस एडवांस टैक्स लेस सेल्फ असेसमेंट टैक्स तभी नील 0,00. तो ये क्या है, टैक्स लायबिलिटी कितना 1,00,000 सर. हेल्थ एडुकेशन सर सॉरी हेल्थ एडुकेशन सर यस थैंक यू वेरी मच एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑन 1,02,000.
500 कितना 1,02,500 into 4,100 ये क्या बोलोगे That is gross tax liability. कितना बेटा 1,06,600 कितना आएगा टैक्स डिमांड एज पर इंटीमेशन अंडर सेक्शन 156 क्लियर और नॉट बोलो देखो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप सेल्फ समरी असेसमेंट पढ़ेंगे हर जगह मैंने आपको प्रॉब्लम दिखाया है हर जगह ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर मैंने आपको प्रॉब्लम शो नहीं किया था जहां तक मुझसे पॉसिबल होगा डन यस सर अच्छा यहां पर अगर बोलता है व्हाट इज योर आंसर If the intimation actually sent to assessee on 1/12/2023 date of submission of return. Of return, date of submission of return कब date of submission of return कब submit किया है कुणाल ने submit किया है 1/12/22 financial year of submission of return kitna 2022 ये 21 कर दो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा 21 कितना 21/22 लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग इंटीमेशन Pending intimation कितना 31 March 2023 yes or no financial year के अंत पे okay yes sir actually intimation sent to assessee 1/12/2023 the intimation is not valid intimation valid nahi ho sakta hai is not valid as it is sent after the time limit Clear or not? सर ये वैलिड नहीं तो और उसको तो देना नहीं पड़ेगा सॉरी
इंटोनेशन 143-1 तो नहीं कर सकते, उसके लिए बैठा है दूसरा कुछ, उसके लिए बैठा है इनकम एक्सपेक्टिंग असेसमेंट 147, 5 साल तक टाइम है, वो सिलेबस में नहीं है लेकिन उसके पास बैठा है और उसके पास औजार है, डिपार्टमेंट का दिमाग एकदम कंफर्म है। इंटीमेशन वो 147 दैट इज इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में वो कर सकता है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट एकदम डेंजरस प्रोविजन, सब कुछ कर सकता है। क्लियर और नॉट? अब स्क्रूटनी और रेगुलर असेसमेंट, इसका मतलब आप अपना असेसमेंट को रेगुलरली प्रोसेस करेंगे, मतलब आप छानबीन करके देखेंगे क्या एट ऑल इनकम हुआ है और इससे ज्यादा हुआ है, क्या आपने इनकम पर को अंडरस्टेट नहीं किया है, दूसरा क्या आपने लॉस को ओवरस्टेट नहीं किया है, ज्यादा लॉस क्लेम तो नहीं कर लिया, क्या आपने ज्यादा अलाउंसेस इतना एक्सपेंसेस किया ही नहीं लेकिन आपने ले लिया है ओवरस्टेटेड ऑफ एक्सपेंसेस, असेसिंग एज overstated the expenses, क्या loss overstated किया है, क्या tax कम payment किया है, rebate लेके बैठा था, यहां पर क्या करेगा SSC छानबीन करेगा, वो सिर्फ correction तो कर ही सकता है, वो problem नहीं है, लेकिन वो proof लगाएगा, अभी तक यहां पर वो proof नहीं मांगा था, आपने जो दिया है उसमें जो गलत है उसने वो लिखा है, लेकिन अभी जो है मैं दिखाने वाला हूं, वहां पर SSC छानबीन करेगा, खोज के निकालेगा क्या इनकम सही में है ना गलत दिया है, मतलब आपका इनकम के अगेंस्ट में प्रूफ जो सबमिट करना पड़ेगा, समरी असेसमेंट में आपको कुछ प्रूफ जमा नहीं करता करना पड़ता है, आपने जो गलत किया है रेक्टिफाई करने से आपको हो जाएगा, असेसिंग ऑफिसर कर देगा, लेकिन यहाँ पर आपको प्रूफ जमा देना पड़ेगा एट ऑल आपने जो इनकम दिखाया है और नहीं, डेंजरस प्रोविजन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर किसी के लिए 143 का नोटिस मारता है तो आप जान लीजिए उसका पैंट खराब हो जाएगा, हाल बहुत ही खराब करके छोड़ेगा। असेसिंग ऑफिसर कंसीडर इट्स नेसेसरी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, रेवेन्यू के इंटरेस्ट में, मतलब रेवेन्यू मतलब किसका, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका टैक्स का कलेक्शन तो कम नहीं हुआ, कैसे कम हो सकता है, एक इनकम अंडरस्टेट किया है, एक्सपेंसेस ज्यादा लिख दिया है, लॉस को ओवरस्टेट किया है, इतना लॉस हुआ ही नहीं, टैक्स जितना पेमेंट करना था उसने पेमेंट किया नहीं, ये सब मतलब आपने एडवांस टैक्स दिया ही नहीं लेकिन आपने एडवांस टैक्स का क्लेम कर लिया, इंटरेस्ट आपने दिया ही नहीं, इंटरेस्ट का क्लेम, इंटरेस्ट आपके लिए एप्लीकेबल है लेकिन आपने दिया ही नहीं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट दैट SSC हैज नॉट अंडरस्टेटेड द इनकम, SSC has not overstated the expenses, SSC has not overstated the loss, SSC has not underpaid the tax. याद रखना, थ्योरी में अगर स्क्रूटनी असेसमेंट आता है, ये चार पॉइंट नहीं लिखोगे तो 100% नंबर आपको एकदम ही नहीं देगा, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चार पॉइंट। इन दिस कनेक्शन द असेसिंग ऑफिसर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कैसे कर सकता है, स्पेशल ऑडिट कर सकता है 142-2A, आई रिपीट 142-2A, ये नॉर्मल जैसे ऑडिट करा रहा हूं वो नहीं, ये ऑडिट हुआ है हो ही सकता है, डिपार्टमेंट चाहे तो उसको समझ में अगर नहीं आता है तो फिर से ऑडिट करा सकता है, ये ऑडिट कौन करेगा, डिपार्टमेंट अपॉइंट करेगा ऑडिटर को, ओके, लेकिन उसके लिए ऑर्डर देना पड़ेगा, स्पेशल ऑडिटर का ऑर्डर, आप लोगों का ऑडिट का सिलेबस में ये स्पेशल ऑडिट 142-2A आपके सिलेबस में है, हम लोग पढ़ाएंगे, एंड एविडेंस एज ही थिंक नेसेसरी, जो उसको सही लगता है, असेसिंग ऑफिसर शैल सर्व नोटिस टू द SSC टू प्रोड्यूस एविडेंस इन सपोर्ट टू हिज रिटर्न अंडर सेक्शन 143-2, मतलब असेसिंग ऑफिसर शैल सर्व नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2, याद रखना बेटा 143 सबसेक्शन 2 में वो क्या करेगा, नोटिस इश्यू करेगा दैट मैं आपका इनकम स्क्रूटनी असेसमेंट करने वाला हूं, आप प्रिपेयर रहिए, बिना नोटिस इश्यू करे आप कर नहीं सकते,
to the SSC to produce the evidence in support of his returned income. Of his returned income, आपने जो return किया जमा दिया है उसका मैं पुष्टिकरण करना चाहता हूँ. पुष्टिकरण मतलब मैं देखना चाहता हूँ आपने सही किया है और गलत. On the basis of such information and evidence, आपने जो information collect करेंगे through audit plus आपको जो evidence जमा देने के लिए बोला है, ये सब का basis में evidence collect करके auditor shall pass the statement of order under section 143 subsection 3. That is summary assessment का order वो pass कर देगा 143 subsection 3. Scrutiny assessment. Summary assessment 143(1). Such assessment is to be completed within 12 month from the end of the relevant assessment year. आपका relevant assessment year के 12 महीने के भीतर आप summary assessment कर सकते हैं. उसके बाहर अगर जाएंगे तो आप summary assessment नहीं कर सकते हैं. आपके लिए हो जाएगा skipping assessment जो आपके syllabus में नहीं है. देखो scrutiny assessment यहाँ पर वो इवैल्यूएट करेगा. समरी असेसमेंट आपने जो दिया है उसके बेसिस में वो पूछेगा नहीं. जैसे आप लोग क्लास करते हैं, मैं थोड़ी जानना चाहता हूँ आप लोग मेरा क्लास देखते हैं और नहीं, वो वीडियो देखते हैं नहीं. मैं तो वीडियो का रेगुलर देखिएगा, नंबर ऑफ व्यूअर सबको पता चल जाएगा. रेगुलर कुछ सेम कैटेगरी का स्टूडेंट ही रेगुलर क्लास देखता है, बाकी सबके लिए ठीक है. मैं तो सारा जिंदगी तो मेरा हुआ ही है कॉपी मारने के लिए, तो मैं सारा जिंदगी बार कॉपी मार के ही फिरूंगा, तो ठीक है. तो लोगों को लिए नहीं लगता है जब हम लोगों का पढ़ाई उसका काम में आएगा तो लोग नहीं देखते हैं. जो है ठीक है, हटाओ. अटेंडेंस देने के लिए बोलता है, अटेंडेंस दे. तो दैट इज हम लोग ध्यान में नहीं लगाते हैं क्या एट ऑल तुमने दिया है और नहीं. यहाँ पर चार पांच स्टूडेंट को मैं अभी पकड़ सकता हूँ, तुम देख लोगे किसको स्कूटनी कहते हैं, क्या पढ़ा रहा हूं, एक फर्स्ट पोर्शन ले रहा हूं. देखो विकास जसवारा, विकास जसवारा, आप लोगों को कुछ बोलना पड़ेगा ना, आप लोगों को समझ में आ चुका है. दैट इज कॉल्ड स्क्रूटनी. सर आप छानबीन करना शुरू कर दिए, दैट इज स्क्रूटनी. लेकिन मैं अटेंडेंस के टाइम देखो पूछूंगा, सब अटेंडेंस दे दोगे तब समरी. आप लोगों को मैं मान के चलता हूं, आप लोगों को जो भरोसा है लिंक में अब आप लोग ज्वाइन किए हैं तो आप क्लास करने के लिए, दैट इज द समरी. बर्बाद हो गए तो फ्यूचर में देखूंगा. अरे तुम्हारा ये हाल खराब क्यों है, फैंसी मार्केट में इसका नौकरी कर रहे हो दुकान में, बोले सर क्या करेंगे जहां पर नौकरी में जाता है. अरे भाई तुम्हारा तो 95% आया था. हाँ सर जहां पर जाता है बोलता है ये तो कॉपी करता हुआ स्टूडेंट है, जब सवाल करता है तब से सवाल में कोई जवाब मुझको देना आता नहीं है. कुछ 20 जगह इंटरव्यू देने के लिए गया, 20 जगह इतना घबरा गया कुछ बोल नहीं सका, सब मेरे सामने हंस रहे थे. उसके बाद मेरे समझ दिमाग में आया चलो फैंसी मार्केट में जो सेल्समैन का काम होता है चलो वही करते. 95% पाने के बाद ये करोगे? अच्छा बच्चा अगर कभी खोल के मार्कशीट में दिखाएगा पापा आपका 95% और आप बैठ के दुकानदारी कर रहे हैं, मम्मी बोलेगा तुम्हारा पापा उस टाइम पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम नहीं दिया था, उसने कॉपी मार के दिया था. अच्छा लगेगा सुनने में इतना डिटेल पढ़ाना, तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा. मैं क्या, सब टीचर ही ऑनेस्टली आपके लिंक देता है सो दैट आप लोग पढ़ेंगे. आप लोगों का सवाल है, प्रॉब्लम है, आप लोग पूछेंगे, टीचर को रोक के रखेंगे जैसा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आप डिटेल्स में कराइए. आप तो फ्री में नहीं करते, आप लोगों को पैसा देना पड़ता है, ट्यूशन फीस आप कॉलेज में देते हैं, तो आप क्यों नहीं करेंगे, 100% करेंगे. लेकिन आप करते नहीं बिकॉज आपको लगता है ठीक ही है अल्टीमेटली तो कॉपी मार के एग्जाम दूंगा. चलिए तो दैट इज आप लोगों के ऊपर हम लोगों का जो भरोसा है दैट इज कॉल्ड समरी असेसमेंट. मतलब वहां पर मैं हम लोग छान भी नहीं करेंगे. ओवरऑल आप जो बोल रहे हैं ठीक है सर, मेरा थोड़ा नेटवर्क का कनेक्शन हो गया. ओके बेटा ठीक है, नेटवर्क का कनेक्शन हो ही सकता है. अच्छा नेटवर्क नहीं रहता तो मुझको एक बार बोलना, दैट इज अ नेटवर्क. आपका मर्जी, आप कौन सा टोपी पहना रहे हैं, किसको टोपी पहना रहे हैं आप. लेकिन बेटा पकड़ में अगर आ जाएंगे, अगर ऑनलाइन का जगह ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा तो रोते रोते पागल हो जाओ. ऐसे ही फिफ्थ सेमेस्टर
मतलब इतना रोगे पागल हो जाओ, बिकॉज हैबिट तो चला गया है पढ़ने का, दैट इज कॉल्ड स्क्रूटनी असेसमेंट। क्लियर आई थिंक? छानबीन करके अगर मैं निकालता हूं, मुझे नोट्स दिखाओ, नोट्स को ऊपर में स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाओ, नोट्स को फोटो उठ के भेजाओ, आप क्या बोलेंगे? सर एक लाइन भी नोट्स नहीं लिखा, दैट इज कॉल्ड स्क्रूटनी असेसमेंट। और स्क्रूटनी असेसमेंट में आप तो पकड़ गए। डन, आई थिंक क्लियर है समरी असेसमेंट एंड क्वेश्चनी असेसमेंट के भीतर, क्लियर और नॉट? वहां पर हम लोग देखेंगे। सॉरी, क्लियर है सर? एकदम क्लियर। तो चलिए, तो समरी मतलब ओवरऑल आप जो बोल रहे हो उसके ऊपर भरोसा है, दैट इज हम लोग जो करते हैं। स्क्रूटनी मतलब मैं खोज खोज के निकालूंगा कैसे कौन क्या कर रहा है। चलिए, सिंस मैं अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं हूं तो मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम कम है। तो चलिए, और हेड रहता भी हूं तो पॉसिबल नहीं होता, मैम से भी पॉसिबल नहीं है, आप लोग घर में क्या करेंगे कौन देखने वाला है। लेकिन हाँ, दो तीन सैंपल में अगर ले लिया, सबको नहीं लेगा, दो तीन को ले लिया तो एकदम गया हाथ में, तो हम लोग बोलते हैं करो, कंटिन्यू करो, नो प्रॉब्लम। चलो, इन दिस कनेक्शन असिंग ऑफिसर क्या क्या करेगा? इंटीमेशन ऑडिट कराने के लिए ऑर्डर दे सकता है, इसका मतलब ये नहीं उसको ऑडिट कराने के लिए ऑर्डर देना ही पड़ेगा, वो भी दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। प्लस वो एसएससी को बोलेगा आप अपना इनकम के एविडेंस, जिसके बेसिस में आपने ये इनकम दिखा है, उसका प्रूफ दिखाइए। ओके, तब एसएससी ऑफिसर प्रूफ दिखाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सर्च इंफॉर्मेशन एविडेंस, he shall pass an assessment order of 143(3). Clear? Time limit क्या है? Such assessment, very important time limit. Such assessment is completed within 12 months for the end of the relevant assessment year. Okay? Sir, इस scrutiny वाला फिर से बताइए ना। Sorry? इस scrutiny वाला। Scrutiny तो मतलब बताया बेटा, सो रहे थे? स्क्रूटनी का मतलब है छानबीन करेंगे, जो इनकम दे रहा है कुछ नहीं, आपने जो एग्जाम दिया है, मैं पंकज का बोलूंगा वो इनकम को, आपने जो एग्जाम दिया वो एग्जाम को मेरे सामने दीजिए, उसका दो मिनट में हार्ट अटैक हो जाएगा अगर वो पूरा प्रिपेयर करके नहीं बैठेगा। अगर वो ऑनेस्टली पढ़ाई लिखाई किया है तो सर जितना बार बोलेंगे उतना बार एग्जाम दूंगा, दैट इज कॉल्ड स्क्रूटनी। खोज रहा हूं क्या सही था एग्जाम दिया है ना गलत से एग्जाम दिया है। हम लोग क्या मानते हैं, जो चाहे करो, कॉपी मारो, चीट मारो, ट्यूशन टीचर को बैठाओ, उसका भी थोड़ा इनकम हो जाएगा, सब कुछ करो, सिर्फ एग्जाम दे, दैट इज समरी। हम लोग को कभी खोल के नहीं देखते हैं दो तीन एक्सेप्शनल केस है जो उसने दूसरे का हैंड राइटिंग जमा दिया है, उसका तो जीरो करके ही भेजे है। मतलब ये मेरा कॉलेज का नहीं है, जब जो दूसरा कॉलेज का खाता हम लोगों के पास आता है वो उसके लिए, हम लोगों का खाता जब दूसरे कॉलेज में जाता है शायद वो भी वैसे ही करता होगा, वो अगर चाहे तो स्क्रूटनी करूंगा उस स्टूडेंट का फोन नंबर से लेके उसको फोन करके पूछूंगा, तुमने भाई ये जो क्वेश्चन आंसर दिए मुझे थोड़ा प्रोविजन बताओ, बस खत्म, फिनिश, दैट इज कॉल्ड स्क्रूटनी। क्लियर और नॉट? स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए, सॉरी, यस सर। पंकज क्लियर और नॉट? पंकज यस सर। क्लियर और नॉट बेटा? यस सर। तो 143 स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए ऑब्वियसली आपको 142, 143(2) का नोटिस भेजना पड़ेगा, भाई मैं आपका इनकम असेसमेंट करने वाला हूं, आप प्रिपेयर रहिए, नहीं तो आप असेसमेंट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, नाउ 143(1), 143(3), जो भी असेसमेंट है बेटा वो सभी ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑफ सबमिशन। ताज बहुत टाइम तक सुन रहा था, अब उसके दिमाग में आया, ताज नहीं केतन बोल रहा है सर ये झमेला में क्यों जाऊंगा, मैं रिटर्न ही सबमिट नहीं करूंगा, उसने ऑडिट करने के लिए बोला है तो मैं ऑडिट ही नहीं करूंगा, जा तू जो करना है कर, मैं नोट रिटर्न सबमिट ही नहीं करूंगा, तू रिटर्न सबमिट करोगे तो उसका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर रिटर्न सबमिट हुआ है उसका असेसमेंट होगा, लेकिन मैं रिटर्न ही सबमिट नहीं करता हूं तो क्या होगा?
मैं अगर रिटर्न ही सबमिट नहीं करता हूं, ऑडिट करने के लिए बोला है 142(2)(a) में मैंने ऑडिट नहीं किया, 142(1) में आपको नोटिस रिटर्न सबमिट करने के लिए बोला आपने नहीं किया, 139 में आपका ड्यू डेट में रिटर्न सबमिट करना चाहिए आपने नहीं किया, 143(2) में आपको बुक्स और अकाउंट्स एविडेंस सबमिट करने के लिए बोला था वो आपने नहीं किया। तो चल पकड़ पकड़ मुझको पकड़, कैसे पकड़ेगा देखूंगा, कैसे पकड़ेगा सर, बेस्ट जजमेंट में आएगा। चलो जी आते हैं। Under the following situation, assessment shall be made by the assessing officer to the best of his judgment concerned, considering all the relevant information collected by him. वो जितना हद तक relevant information collect कर सका, उसके basis में assessing officer क्या करेगा? Best of his judgment, because उसने तो return file नहीं किया। दूसरा source, पिछले वाला source, सब कुछ लगा के, उसका GST return सब कुछ लगा के वो assessment करेगा। क्या होगा? A, B, C, D, E, चार एरिया में वो बेस्ट जजमेंट कर सकता है। सिचुएशंस वेयर असेसिंग ऑफिसर गो फॉर द बेस्ट जजमेंट, वन, पर्सन फेल्ड टू पे रिटर्न ऑफ इनकम दैट इज 139(1) एंड बिलेटेड रिटर्न, वो तो ड्यू डेट के भीतर रिटर्न नहीं दिया प्लस बिलेटेड रिटर्न भी जमा नहीं दिया 139(4), यस और नो? यस सर। 139(1) एंड 139(4) में वो रिटर्न जमा नहीं दिया, और 139(5) और 139 सबसेक्शन 9 क्या है? डिफेक्टिव रिटर्न, ना 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 ये तो हाँ ठीक है ना, ये नहीं लगता ठीक है। 139(1) और 139(4) में रिटर्न सबमिट नहीं किया, पर्सन फेल टू फाइल द रिटर्न, फेल टू फाइल द रिटर्न एज पर नोटिस, नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) याद है, सबमिशन ऑफ रिटर्न एज पर द नोटिस ऑफ एओ लास्ट क्लास में कराया था, मतलब 139 पे ड्यू डेट नहीं होता है तब भी एओ बोल सकता है रिटर्न फाइल तो कीजिए ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? ओके, पर्सन फेल टू कंप्लाई द स्पेशल ऑडिट ऑर्डर अंडर सेक्शन 142(2)(a) दैट इज स्पेशल ऑडिट, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो स्पेशल ऑडिट 142(2)(a) में आपको बोलता है करने के लिए, वो देखिए दो प्रकार का ऑडिट होता है, एक कंपलसरी ऑडिट 44(ab) जो हम लोग बाद में करेंगे, और दूसरा है 142(2)(a) जहां पर असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का करेक्टनेस में शक हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया है कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया है, तब आप ऑडिटर का हेल्प ले सकते हैं, स्पेशल ऑडिटर का ऑडिट का ऑर्डर दे सकते हैं 142(2)(a) ठीक है। नेक्स्ट, पर्सन फेल टू कंप्लाई द टर्म्स ऑफ नोटिस 143(2), स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए आपको एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए बोला है और आपने कोई एविडेंस प्रोड्यूस ही नहीं किया। 5, असेसिंग ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द असेसी, अकाउंट्स में जो दिखा रहा है असेसी उसमें और असेसिंग ऑफिसर एकदम सहमत नहीं है, जो ये अकाउंट सही है देख के लग रहा है फॉर्जरी केस है, तो ये सिचुएशन में ऑडिटर के पास एओ के पास पावर रहता है वो बेस्ट जजमेंट करे, इतना आसान नहीं है असिस्टिंग ऑफिसर को भी बेस्ट जजमेंट करना, प्रूफ करना पड़ेगा ये सब उसने कंप्लाई नहीं किया तभी वो बेस्ट जजमेंट में जा सकता है, अदरवाइज नो। बेस्ट जजमेंट सेक्शन 144 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या क्या, नॉर्मल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न नहीं दिया, एओ ने रिटर्न सबमिट करने के लिए ड्यू डेट दिया है वो नहीं किया है, स्पेशल ऑर्डर 142 टैक्स ऑडिट के लिए, स्पेशल टैक्स ऑडिट के लिए बोला है नहीं किया है, स्क्रूटनी के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एविडेंस जमा देने के लिए बोला है नहीं, और दिया भी है तो ऑडिटर को लग रहा है कि सब इनकरेक्ट है, करेक्टनेस में ऑडिटर के मन में शक हो रहा है, ऑडिटर नहीं असेसिंग ऑफिसर का मन में शक हो रहा है, तब भी वो बेस्ट जजमेंट दे सकता है। अंडर दिस असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर कैन नॉट रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर, वो टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर मतलब आपने तो बोला रिटर्न सबमिट नहीं किया, अरे भाई 143(2) देखो टैक्स लायबिलिटी दिखा रहा है 50,000 लेकिन आपने उसको क्या बोला, आप एविडेंस प्रोड्यूस कीजिए विद रेस्पेक्ट टू योर इनकम टैक्स 40,000, और वो बंदा कुछ नहीं कर सका, मतलब उसका जो टैक्स लायबिलिटी है उसके सपोर्ट में कोई एविडेंस पेश नहीं कर सका, तो बेस्ट जजमेंट होगा, और बेस्ट जजमेंट करने के टाइम
उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। और टैक्स लायबिलिटी को 40,000 से बढ़ा सकता है, लेकिन किसी भी हाल में 40,000 से घटा नहीं सकता। Under this assessment, assessing officer cannot reduce tax liability declared by the assessee in his return. This judgment is not a discretionary power of the assessing officer, but the mandatory nature. आपने क्या किया? थोड़ा सेटल कर लिया, assessing officer को खिला दिया और सेटल कर लिया ना, नहीं चलेगा। Assessing officer को दिखाना पड़ेगा वो क्यों बेस जजमेंट नहीं किया, मतलब ये उसका कंपल्सरी नेचर है, उसको करना ही पड़ेगा अगर जरूरत पड़े तो। बेस जजमेंट इज नॉट डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब वो अपनी इच्छा से लगाएगा नहीं लगाएगा ऐसा नहीं है, इट इज अ मैंडेटरी इन नेचर। अगर सिचुएशन ऐसा होता है तो उसको लगाना ही पड़ेगा बेस जजमेंट। द असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 कैन ओनली बी डन आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द एसएससी बाय सर्विंग नोटिस, सर्विंग शो कॉज नोटिस। मतलब आप अपने मन से नहीं कर सकते, असेसिंग ऑफिसर को आपको नोटिस देना पड़ेगा, असेसिंग ऑफिसर एसएससी को नोटिस देगा, भाई मैं आपका बेस्ट जजमेंट करने वाला हूं, आप मैं आपका बेस्ट जजमेंट क्यों नहीं करूंगा वो मुझे आप बताइए, शो कॉज नोटिस, आप मुझे कारण दर्शाइए मैं क्यों आपका इनकम का बेस्ट जजमेंट नहीं करूंगा, मुझे कारण दिखाइए। मैंने इतने बार आपको नोटिस दिया है, आपने कोई एग्री नहीं किया, मुझे ये बताइए क्यों नहीं करूंगा, दैट इज शो कॉज नोटिस। Such assessment is completed 12 months from the end of the relevant assessment year. ये भी 12 महीने के भीतर, मतलब assessment जब year complete होता है, relevant assessment year, उसका 12 महीने के भीतर इस process को complete करना पड़ेगा। Clear? Sir. Yes, sir. ये इसका time limit है. Time limit. क्या टाइम लिमिट है सर? ये एंड स्कूटनी असेसमेंट ऑलवेज याद रखना 12 महीने के भीतर, एक्चुअली तीन जो है वो तीन ही 12 महीने के भीतर है, फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, दैट इज स्कूटनी असेसमेंट एंड बेस जजमेंट के लिए रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, और समरी असेसमेंट के लिए जिस साल में जमा दिया है उसका एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। लेकिन सर अगर बाई चांस भूल हो जाता है तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट वो कर सकता है, जो आपका सिलेबस में नहीं है मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बोलो सर। बोलो सर, जो ए बी सी डी ई है ये तीनों अगर होगा तभी बेस्ट जजमेंट हो सकता है। ए और बी, इतना सवाल क्यों करते हो बाप रे बाप, बाप रे। और भी है, मैंने जितना का लिखा है। Under the following situations, okay? आया समझ में? Sir, sir, base judgment के बारे में SSC का क्या होता है sir? Sorry, sorry. Based judgment के बाद क्या होता है sir SSC का? ना, base judgment last होता है, लेकिन उसके बाद भी sir पता चलता है, then income escaping assessment. जो सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं, इतना ही आप लोगों के लिए ठीक है। समरी स्कूटनी बेस्ट, इसके बाद फाइनल लेवल में जब जाओगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में उसमें बढ़ना पड़ता है, यहां तक और कुछ नहीं, ठीक ही है। समरी मतलब आप ओवरऑल देखेंगे, स्कूटनी मतलब आप छानबीन करेंगे, बेस्ट आपको कोई मौका ही नहीं दिया आप काम करेंगे तो आपको बेस्ट ऑफ द जजमेंट में करना पड़ेगा। Done? Yes, sir. तो स्क्रूटनी बेस्ट जजमेंट सबको पूछ रहा हूं, एनी क्वेरी? इलस्ट्रेशन Oh.
तबीयत तो ब्रांच आ रहा है, मैं कैसे क्लास करूंगा। हाँ सेल्फ असेसमेंट टैक्स द रिटर्न इज प्रोसेस्ड अंडर सेक्शन 143 मतलब स्क्रूटनी असेसमेंट किया है एंड इंक्रीज द इनकम बाय रुपीज 4 लाख एंड these allowed expenses while calculating taxable interest rupees 1 lakh। देखो क्लियर और नॉट, ओके। कैलकुलेट द इनकम टैक्स टैक्स डिमांड आफ्टर हमारी स्कूटनी। ओके सॉल्यूशन, आफ्टर on the basis of the evidence, on the basis of the evidence submitted by the SEC in support of his income, AO, the assessing officer AO, has identified the following understatement of income
फॉलोइंग, क्या फॉलोइंग? अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम, रुपीज 4 लाख ओवर ओवर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस रुपीज 1 लाख. नाउ द रिवाइज्ड टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी एज फॉलोज. क्या क्या है? सर ये ग्रॉस टोटल इनकम जो दिया है वहां पर एड इनकम एड अंडरस्टेटेड ऑफ इनकम कितना सर? 4 लाख प्लस एड डिसअलाउंस एक्सपेंसेस, डिसअलाउड एक्सपेंसेस 1 लाख, दैट इज रिवाइज्ड ग्रॉस टोटल इनकम, रिवाइज्ड जीपीआई. कितना रिवाइज्ड जीपीआई? 16 लाख. यस और नो बेटा? प्लस माइनस डिडक्शन 1 लाख 50, हाउ मच? 14 लाख 50. टोटल इनकम के ऊपर टैक्स, टेन लाख के ऊपर ट्वेंटी दैट इज वन लाख टू 14 लाख 50, 30%. कितना होगा? 4 लाख 50 के ऊपर 30%. 4 लाख 50 के ऊपर 30%. कितना? 1 लाख 35,000. 1 लाख 35. कितना? 2,47,500. Tax on total income 2,47,500. Debate का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है. अच्छा चलो ये तो लिख के रखता हूँ. Tax liability 2,47,500. 247,500. Health and education sex, how much? 9,900. 9,900. Kitna? Gross tax liability? 2,57,400. 2,57,400. 57,400. PDS नील सेल्फ असेसमेंट टैक्स कितना बेटा? देखो चांद ने कितना सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया है गलत इंफॉर्मेशन के ऊपर. 1,06,600. तो टैक्स डिमांड कितना होगा? 1,50,800. 1 लाख
50,800 क्लियर और नॉट? यस सर। तो मैंने प्रॉब्लम दी सब बुक टुक में तुमको नहीं मिलेगा, सवाल ही नहीं थ्योरी है। थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना सर, डिविडेंड इनकम तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड रहता था, इधर हम लोग 5 लाख क्यों लिए सर? ये पूछो इसको क्या बोला गया, इसलिए इतना नंबर बहुत अच्छा मिला होगा। डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्टेड है, सबको क्लास में पूछ रहा हूँ, कितना बार क्लास में चेंज करके कराया था, कुछ दिन पहले भी असेसमेंट प्रोसीड्योर का काम में भी, मतलब टैक्स कैलकुलेशन है उसके टाइम में भी मैं डिविडेंड इनकम से ही क्लास शुरू किया था। पंकज थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो भाई, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, पढ़ना है पढ़ो नहीं तो छोड़ दो, सब तुम देखोगे लिखा रहेगा। मेरा भाग्य खराब है तुम लोगों को मेरा जैसा टीचर मिल गया, एक लाइन भी तुम लोग घर में बैठ के पढ़ते नहीं हो, इतना डिटेल में करा के रखते हैं। अरे तुम लोगों के लिए ही तो कराते हैं, एक प्रॉब्लम कराने में मेरा कितना मिनट लगेगा, हर क्लास मेरा 20 मिनट में हो जाएगा। पूरा पढ़ो तुम देखोगे, टैक्स का 1-2 क्लास के भीतर ही ये था, डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्टेड नहीं है। उस दिन ये भी मैंने बोला था, हम लोगों ने चेंज करके डिविडेंड को टैक्सेबल कर दिया। पढ़ना पड़ेगा, एकदम पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है सर, चलो जी, पूरा घर में नोट्स को प्रिंट करके भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, 6 सेमेस्टर में रोते रोते पागल हो जाओगे कंप्यूटर में, सब तब बाहर से लोग आएगा आपका एग्जाम लेने के लिए, 4-5 फेल करा के चला जाएगा एकदम, ये सब वहां पर लगेगा। तो चलिए मेरा असेसमेंट प्रोसीड्योर का पार्ट समाप्त होता है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे दैट इज इंटरेस्ट कंप्यूटेशन, 234A, 234B एंड 234C, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम में आ जाइएगा। सर क्या है सर, एक बार समरी का सर टाइम लिमिट बताइए ना सर। टाइम लिमिट जिस दिन आप रिटर्न सबमिट किए हैं उसका अंत का 1 साल के भीतर, जिस दिन सबमिट किया है और जिस फिनेंशियल ईयर में सबमिट किया है उस फिनेंशियल ईयर का अंत से 1 साल। जैसे सर 2021 में सबमिट